मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलों पर विराम लग गया है। खुद कमलनाथ ने बीजेपी में नहीं जाने की बात कही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस उन्हें मनाने में सफल नहीं रही या फिर वह किसी और वजह से बीजेपी में शामिल नहीं हो सके। बता दें कि कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को मध्य प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी भंवर जितेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। ये सभी अटकलें भाजपा और मीडिया की लगाई गई हैं। वहीं कांग्रेस ने भी ये दावा किया है कि कमलनाथ बीजेपी में नहीं जाएंगे। वह मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के संचालन में अहम भूमिका निभाएंगे। उनके सुझाव पर ही राहुल गांधी की यात्रा का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि आज कांग्रेस ने भोपाल में विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में कमलनाथ के पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। माननीय कमलनाथ जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और जो भी ये इस तरह की बात चल रही है, जो भी इस तरह का स्पेकुलेशन हो रहा है, ये सारा भारतीय जनता पार्टी और मीडिया द्वारा बनाया जा रहा है। माननीय कमलनाथ जी ने मेरे से कल भी बात करी है, परसों भी मेरी बात हुई है, उनसे चर्चा हुई है किस तरह की यात्रा के अंदर हमें तैयारियां करनी है। कल मैं खुद भोपाल जा रहा हूं, वहां के सभी माननीय विधायक हैं, वहां की जो अलग अलग कमिटीज बनी हैं, वहां सांसद महोदय हैं, उन सबों से बैठक हमारी हो रही है और उस बैठक के अंदर माननीय कमलनाथ जी भी उस बैठक को ज्वाइन करेंगे और उसके साथ साथ उनके निर्देश द्वारा जो भी वो अपने सुझाव देंगे उस हिसाब से वो यात्रा चलेगी और माननीय कमलनाथ जी उस यात्रा के अंदर प्रमुख रूप से उसमें भाग लेंगे।